दोस्तों, अगर आप ये चार गलती करते हो तो ट्रेडिंग आपको बर्बाद कर सकती है। बस ये चार गलती ही हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों को लॉस होता है। तो वो चार गलतियाँ कौन सी हैं जो आपको नहीं करना है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों ओवर ट्रेडिंग की। पहला रीज़न है ओवर ट्रेडिंग। इसको अच्छे से समझ लोगे तो ज़्यादा लॉस आपका नहीं होगा। देखो, यहाँ पर मार्केट है, इंट्राडे में आपको बताता हूँ, मार्केट यहाँ रेंज बनाया, यहाँ लोगों को कॉल दिलवाया होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कॉल लिया होगा एक बार में एसएल हंड, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर देखो बहुत सारे लोगों को कॉल दिलवाया, फिर एसएल हंड। तो मार्केट क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ, 10 में से 9 बार जो है आपको ट्रैप करता है। ट्रैप का मतलब आपको बेवकूफ़ बना के आपके पैसे लेके जाता है, ठीक है। तो ये करता है, देखो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अभी यहाँ पर 1 ईयर में अगर आप देखोगे तो कई लोगों ने जब ये मार्केट ऊपर आया होगा तो कैरी फॉरवर्ड करे होंगे कॉल को, ठीक है। लेकिन मार्केट ने जो है डबल टॉप बना दिया और मार्केट नीचे आ रहा है। अब ये कितना नीचे आएगा ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर डबल जो है टॉप बनते हुए दिख रहा है, ठीक है, ये समझ लिया आपने, ठीक है। तो कभी भी बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अब यहाँ पर कितनी ट्रेड आपको लेना चाहिए, तो देखो दिन में आप सिर्फ 2 ट्रेड लीजिए अगर आप बिगिनर हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेड लेते हैं तो आप हमेशा पक्का है कि लॉस करोगे, ठीक है। ये पहला रीज़न हो गया कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, मतलब पहली गलती। दूसरी गलती कौन सी है, दूसरी गलती है एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करना। अब आप बोलोगे यार एक्सपायरी के दिन तो 10 रुपये का प्रीमियम 200-300 हो जाता है। डेफिनेटली हो जाता है, लेकिन वो दिन 100 दिन में से 1 बार आएगा, ठीक है। तो वो 100 दिन में से 1 बार जब आएगा, जरूर नहीं कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो आज एक्सपायरी है, अब जिसने यहाँ तो पुट ले लिया उसको तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ ही होगा, लेकिन जो कॉल के चक्कर में रही है उन सबको यहाँ पर जो है लॉस हो गया। अब कॉल क्यों ना लें, वो भी उन मार्केट कई बार रिवर्सल करता है, मतलब कई बार रिकवर करता है, तो इस बार नहीं करा तो उन सबको यहाँ पर लॉस हुआ होगा। अब देखो कई बार क्या होता है कि आप जो है हफ्ते भर तो प्रॉफिट कम कर लेते हो, ठीक है, हफ्ते भर तो प्रॉफिट कर लेते हो, लेकिन जो आपका पूरा प्रॉफिट रहता है वो एक्सपायरी के दिन जो है एकदम ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, और ये जो मिस्टेक्स बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, ऐसे हवाबाजी में नहीं करता हूँ, ठीक है। आपको पता है हमारे चैनल पर मतलब हज़ारों वीडियो नहीं है, 100 से भी ज़्यादा वीडियो जिनमें हम ट्रेडिंग खुद करते हैं, खुद प्रॉफिट लॉस करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही आपको ज्ञान दे देंगे और हम कुछ ट्रेडिंग ना करेंगे, वो आपको सब पता ही, ठीक है। अब तीसरी मिस्टेक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो ये मैंने 28 सितंबर का कॉल आज लिया, ठीक है, आज 20 सितंबर, मैंने 28 सितंबर का कॉल ले लिया यहाँ पे जाके, और मैंने इसको लिया यहाँ पे जाके, सॉरी मान लो मैंने ये पुट ले लिया, ठीक है, पुट ले लिया और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे और प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैं 20 सितंबर को इसको एग्जिट ना करके इसको नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लूँगा। ये होता है कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये जब लोग बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, तो देखो ये जब बहुत मतलब ज़्यादा आपने प्रॉफिट करा, प्रॉफिट करके आप ऊपर गए, आपने 2-4 बार कैरी फॉरवर्ड कर लिया, अब आप इससे यहाँ आ जाओगे, ठीक है, और इससे नीचे भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये आप समझ गए, पहली चीज़ मैंने क्या बताया था, पहली चीज़ बताया था कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताया है कि आपको जो है एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करना है। तीसरी चीज़ बताया कि कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, ठीक है, ये 3 चीज़ आप समझ गए। अब चौथी चीज़ क्या है, चौथी चीज़ है दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड। अब ये रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है इसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है। चलो मान के चलो कि मैं यहाँ पर निफ्टी में आपको बताता हूँ थोड़ा सा, चलो मान के चलो कि मैं डेली 10,000 रुपये से ट्रेड करता हूँ, ठीक है, और दिन में 2 ट्रेड लेता हूँ, तो दिन में 2 ट्रेड लेता हूँ और मैं 100 रुपीज़ वाला ये वाला प्रीमियम हमेशा चूज़ करता हूँ, ठीक है। तो देखो अगर मैं 100 रुपये पे मान लो मैंने 10,000 रुपये लगाए और 100 रुपये पे मैंने कोई स्ट्राइक प्राइस पर मतलब कोई कॉल या पुट बाय करा, ठीक है, तो मेरा इसमें ऐसे लगाता हूँ मैं दोस्तों 30 पॉइंट, ठीक है, मतलब कि अगर 7,000 रुपये वहाँ दिखने लगेंगे ट्रेडिंग लेने के बाद तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। और मैं टारगेट लगाता हूँ 110 का, मतलब अगर 10,000 से ट्रेड लेता हूँ और वहाँ 11,000 दिखने लग जाएंगे तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया, ठीक है, ये बहुत कम है, हमको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना पड़ेगा, मतलब कि 30 पॉइंट का अगर हम एसएल ले रहे हैं तो 60 पॉइंट का हमको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, मतलब 1:2 हो गया ये, ठीक है, और 1:2 हो गया।
तो ये आपने 1:1 मान लीजिए इसको, 30 का 60 और 1:2 हो जाएगा इसका 30 पे अगर लिया है तो फिर मतलब 100 पे लिया है तो 190 हो जाएगा फिर, तो वो हो जाएगा 1:3 का फिर, और 160 1:2। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, ये मैथ वाली चीज़ें ही आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अब सिंपल लैंग्वेज में ये समझा देता हूँ कि कितना आपका एसएल कहाँ बनेगा। देखिए, आप समझ लीजिए कि आपने 100 पे लिया है तो आपका एसएल बनेगा पहला 80 रुपये का, दूसरा 70 रुपये का। ठीक है, अगर 70 वाला ले रहे हो तो आपका जो टारगेट होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए 140 से 160, समझ गए। 80 पे अगर आप ले रहे हो, ठीक है, अगर आपने 80 का एसएल मतलब 20 पॉइंट का एसएल लगाया है, 80 रुपये पे लगाया है, 20 पॉइंट का ले रहे हो तो आपके टारगेट 140 से फिर 150 होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर 20 पॉइंट का एसएल ले रहे हो तो टारगेट जो है 40 पॉइंट से लेकर 60 पॉइंट तक का रखना, अगर 50 पॉइंट का एसएल ले रहे हो तो फिर आपके टारगेट 100 पॉइंट से लेकर 150 पॉइंट के होना चाहिए, जो कि मुश्किल से मिलते हैं बट होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखो मार्केट कितना आज लोगों को पागल बना रहा है। यहाँ आप देखो, यहाँ बहुत तगड़ा लोगों को लॉस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं ना कि मार्केट जो है क्या चाहता है आपसे, मार्केट आपके पैसे आपसे लेना चाहता है, तो उससे बचने के लिए ये करना पड़ेगा, नहीं तो आप ट्रेडिंग में बर्बाद हो जाएंगे। देखो, अगर आपके पास इनकम सोर्स वगैरह अच्छा खासा नहीं है ना, तो आप ट्रेडिंग से दूर रहो, मत करो ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से अच्छी चीज़ आपको बता रहा हूँ, आपके पास कम से कम 50,000 रुपये का कैपिटल अप्रोक्स होना चाहिए। ठीक है, 50,000 रुपये का अगर आपके पास कैपिटल है तो कहाँ आओ, आप आओ निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में आने के बाद कम से कम यहाँ पर निफ्टी 50 को ऊपर देख लीजिए, निफ्टी 50 को देख लीजिए यहाँ पे बनियर का चार्ट लगा के, जैसे कि ये है, जब मार्केट यहाँ कहीं हो मतलब एकदम नीचे आ जाए, जैसे कि यहाँ आ जाए मार्केट, यहाँ आ जाए तो आप जो है जैसे कि रिलायंस स्टॉक्स हो गया है इसमें बाइंग कर लीजिए, रिलायंस में बाय कर लीजिए, HDFC को बाय कर लीजिए। जैसे कि HDFC अभी सपोर्ट पर है, एकदम मस्त सपोर्ट पर है, यहाँ पर इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे बाय करना रहेगा तो मैं HDFC बैंकों को यहाँ पर बाय कर सकता हूँ इजीली तरीके से, क्योंकि एक सपोर्ट के पास आ रहा है। देखो, ठीक है, ये यहाँ से इसने जो रैली है, इसने कहाँ से रैली दिखाई थी, मतलब ये इधर से रैली दिखाई थी इसने, कहाँ से, ये अपनी जो है मार्च 2023 के आसपास से रैली दिखाई थी, और अब ये उधर ही आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा और ही अगर नीचे आ जाएगा तो ये एक सपोर्ट के पास आ जाएगा, तो इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। इस प्रकार से स्टॉक्स लो, जब मार्केट गिरे तो स्टॉक्स ले लो, और जब मार्केट बढ़ जाए तो उनको डिलीवरी में एग्जिट कर जाओ। हालांकि आप और वेट कर सकते हैं यहाँ कहीं का भी, ठीक है, वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, पसंद आ गई हो, तो बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो।